एमा को अपने बाकी भाई बहनों की याद आ रही है। वो फार्म के फोटोज़ को देख रही है और मुजिका उससे मिलने आती है। एमा फोटो में दिखाती है कि वो बाकी सबको कितना याद कर रही है। दूसरी तरफ रे चेस खेल रहा है और बाकी बच्चों को ये देखकर नॉर्मन की याद आ जाती है। वहाँ का माहौल थोड़ा सा शांत हो जाता है। ये सब देखकर मुजिका कहती है कि उसे उन सब के साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। एमा को भी ऐसा ही लगता है और लगता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। रात को सब सो रहे हैं और रे होप कीवर्ड में क्या इन्फॉर्मेशन है चेक करता है। सुबह होते ही एक बार सरफेस को स्काउट करने के बाद सब बाहर आ जाते हैं। अब उनके सामने है सिर्फ खुली बंजर ज़मीन। अलविदा कहने का वक्त हो गया है, लेकिन बच्चों को मुजिका और सोंजू से बहुत लगाव हो गया है। रे उन्हें समझाता है और सोंजू भी जाने से पहले एक छोटी सी टिप देता है। वो कहता है, तुम्हें डीमंस तो दिखने नहीं चाहिए, मगर दिख गए तो दम लगा कर भागना, और भाग ना पाओ तो चेहरे के बीचों बीच हमला करना। इस तरह से वो बच्चे अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं और एक आखिरी बार एमा से मिलकर मुजिका उसे एक ऑर्नामेंट देकर ये तुम्हारी रक्षा करेगा कहती है। फाइनली बच्चे निकल पड़ते हैं। अब हम उन दोनों डीमंस के ट्रू इंटेंशंस को जान पाते हैं। मुजिका असल में उन्हें फार्म्स को बेचना चाहती थी ताकि 6 महीनों तक मुफ्त का खाना मिल जाए, लेकिन सोंजू का प्लान तो कुछ और ही है। ये बात सच है कि वो दोनों फार्म्स के इंसानों को नहीं खाते हैं, लेकिन उनका रिलीजन नेचर से इंसानों को हंट करने को नहीं रोकता है। अगर वो बच्चे यहाँ पर अपनी तादाद बढ़ाते हैं तो वो फ्यूचर में इंसानों का शिकार कर सकता है। इसके बाद कुछ काम है बोलकर सोंजू जंगल के अंदर चला जाता है। रात हो गई है और जो डीमंस बच्चों के पीछे लगे हुए थे उनमें से ज़्यादातर मर चुके हैं। सोंजू उन सारे डीमंस को ख़त्म कर देता है जो बच्चों के पीछे थे। वो बच्चे बहुत दूर आ गए हैं और लोकेशन चेक करने पर पता चलता है कि मिस्टर मिनरवा ने यही लोकेशन दी थी। दूर दूर तक किसी के होने के कोई निशान नहीं हैं और छोटे बच्चों का दिमाग ख़राब हो रहा है। लेकिन रे इस सिचुएशन के लिए भी तैयार था। वो फिर से पेन को निकालता है और इस बार बुक से देखने के बाद वो एंटर करता है हिस्ट्री। ऐसा करते ही उनके सामने एक मैप आ जाता है और उनके बगल में एक रास्ता दिखाई देने लगता है। रे दम लगाकर उस हैच को खोलता है और वो नीचे उतरता है। बाकी सब भी नीचे आते हैं और वहाँ पर सिर्फ अंधेरा है। थोड़ा आगे जाने पर कुछ कमरे दिखाई देते हैं और वो लोग अंत में जो कमरा है उसे खोलते हैं। वहाँ से एमा लाइट्स को ऑन करती है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है। वहाँ पर सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं और रे को एक रेडियो ट्रांसमीटर मिल जाता है। अब गिल्डा दिखाती है वहाँ पर एक लेटर भी रखा हुआ है। उस लेटर में कहा गया है कि तुम चाहो तो इस जगह पर रह सकते हो, और ये लेटर लिखा है विलियम मिनर्वा ने। सब खुश हो जाते हैं और इसके बाद बेस को एक्सप्लोर करने लगते हैं। वहाँ पर एक किचन है, बड़ा सा बाथरूम है, एक गार्डन भी है जहाँ पर वो सब्जियाँ उगा सकते हैं, और एक छोटा सा लाइब्रेरी है जहाँ पर बुक्स भी हैं। वहाँ पर एक पियानो भी रखा हुआ है और एक लड़का जाकर उसे बजाने लगता है। वो पियानो में एक अच्छा सा म्यूज़िक प्ले करता है जिसको सुनकर सबको बहुत अच्छा लगता है। सब बहुत रिलैक्स हो जाते हैं तो एक छोटा बच्चा मस्ती करते हुए पियानो के आखिरी की को प्रेस कर देता है। ऐसा करते ही सामने से एक सीक्रेट रूम खुलता है। वहाँ पर एक बड़ा सा खाली कमरा है जो एक बाहरी टनल से कनेक्टेड है। इसके बाद वो सब एक छोटी सी मीटिंग करते हैं और बच्चे बाथरूम के मज़े लेने के लिए चले जाते हैं। कई दिनों के बाद नहाने की वजह से उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है। डिनर टेबल पर सबके चेहरे पर मुस्कान है और रे इस जगह की तारीफ करता है क्योंकि पानी और बिजली का बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया गया है। ऐसा लग रहा है कि वो लोग यहाँ पर बिना कोई प्रॉब्लम के कई दिनों तक रह पाएंगे। इसके बाद रे उस रेडियो ट्रांसमीटर को बाहर निकालता है। इसे यूज़ करके रे फार्म की रिपोर्ट सुनना चाहता है। हर रात ठीक 8 बजे इजाबेला स्टेटस रिपोर्ट भेजने के लिए कहीं गायब हो जाती थी और वो लोग उसी स्टेटस रिपोर्ट को सुन सकते हैं। बाहर आकर रे उस फ्रीक्वेंसी को ढूंढने की कोशिश करता है जिसमें फार्म की खबर मिल सकती है। रे को वो फ्रीक्वेंसी मिल जाती है और उन्हें सुनाई देता है कि सारे फार्म्स में स्टेटस नॉर्मल है। ट्रांसमिशन यहीं पर ख़त्म हो जाता है और एमा जितनी जल्दी हो सके बाकी सबको भी फार्म से निकालना चाहती है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉन आकर एमा और रे को कुछ देखने को कहता है। वो उन्हें गार्डन पर ले आता है जहाँ पर एक दरवाज़ा मिला है जिसमें आउल का लोगो है।
दूसरी तरफ खेलते वक्त एना देखती है कि यवेट किसी वजह से पैरालाइज हो गई है। थॉमा और लेनी भी उसके साथ हैं और उन्हें कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ दिखाई देती है। एमा उस पेन को यूज़ करके गेट को खोलने में कामयाब रहती है और वहाँ पर उन्हें एक और कमरा दिखाई देता है। उस कमरे के अंदर एक टेलीफोन रखा हुआ है और दूसरी तरफ वो बच्चे भी कमरे के अंदर आ गए हैं। एना को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ था। अचानक टेलीफोन रिंग होने लगता है तो एमा जाकर उसे उठाती है। उसमें से आवाज़ आती है, मैं विलियम मिनर्वा बोल रहा हूँ।